Divide and simplify. Square root of 60x square y divided by square root of 48x. और इसको सॉल्व करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सपोनेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ है a, मान लीजिए a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a अपॉन b पूरे की पावर m. बस इस प्रॉपर्टी का, इस ज़रूरी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर m है और यहाँ पे पावर क्या है, हाफ है. तो ये हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 60x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 48x के बराबर. अब चलिए इस अंदर वाले क्वांटिटी को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ऊपर नीचे अगर x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ऊपर सिर्फ x बच जाएगा, और ऊपर नीचे हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48 और 12 fives are 60 होता है. तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x टाइम्स y डिवाइडेड बाय 4. अब इसको वापस से हम लोग ब्रेक करें तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x टाइम्स y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4. अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 की तो वैल्यू होती है 2, यानी कि ये हमें दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x टाइम्स y डिवाइडेड बाय 2 के बराबर. इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा.